हमारे चैनल ड्रीम फैंटेसी टीम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टीकेआर वर्सेस बारबाडोस ट्रिडेंट्स के सीपीएल मैच का। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट प्री कॉन्टेस्ट कब होने वाला है। तो नेक्स्ट प्री कॉन्टेस्ट होने वाला है जब हमारा 20 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, तब से हम पर मंडे फ्री कॉन्टेस्ट करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और 20 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम 10 प्लेयर का फ्री कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सब्सक्राइबर नहीं है, 5 से उतना ये नहीं होगा। तो हम 10 प्लेयर के साथ प्री कॉन्टेस्ट रखेंगे। तो चलिए अब हम मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, हम सब इन्फॉर्मेशन देंगे कौन प्लेयर खेलेगा और कौन की प्लेयर होगा। तो चलिए अब प्रोबेबल 11 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिबांगो नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 होने वाले क्रिस्लिन, कॉलिन मुनरो, रामदीन, ब्रेंडन मकलम, विन ब्रावो, डीजे ब्रावो, जे श्रेलेस, सुनील नारायण, अली खान, फवाद अहमद, कैरी पेरिये और एन मिलर के बदले कोई एक खेलेगा। तो के पियरे डाउटफुल हो सकते हैं। और बार के प्लेइंग 11 होने वाले डी स्मिथ, एस रोयल, एन पूरन, हर्षी मामला या मार्टिन कप्तान, दोनों में से कोई एक, एशोप, आर्चेस, जेसन होल्डर, डोमिनिक डार्केस, इमरान खान, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान। तो हर्षी मामला शायद डाउटफुल हो सकते हैं। और की प्लेयर्स की बात करें तो कॉलिन मुनरो, एशोप, डीजे ब्रावो और जेसन होल्डर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने प्लेइंग 11 की। तो हमारे प्लेइंग 11 होने वाला है, हमारे पास विकेट कीपर में दो ऑप्शन है, रामदीन और ये दोनों ही सेम फॉर्म के सेम क्वालिटी के बैट्समैन है। पर निकोलस पूरन को मैं सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग के लिए, जो अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और रामदीन के कंपैरिजन से अच्छा ही है थोड़ा। तो चलिए अब बैटिंग की बात कर ले तो स्टीव स्मिथ जो कि आउट हो चुके हैं तो आप इन्हें मत लीजिएगा, ब्रेंडन मकलम हमारे सेफ ऑप्शन रहेंगे, और यहाँ से हमारे की प्लेयर एशोप और कॉलिन मुनरो, इन दो बैट्समैन को तो आप मिस मत करिएगा। यहाँ से ब्रेंडन मकलम और आप ड्रीन स्मिथ या डेरन ब्रावो, दोनों में से कोई एक के साथ जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा ड्वेन स्मिथ के साथ, आप डेरन ब्रावो के साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हर्षी मामला, मार्टिन कप्तिल और सनी शोएल, ये है ऑप्शंस, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। मैं यही चार बैट्समैन के साथ जाऊँगा। ऑलराउंडर सेक्शंस की बात करूँ तो ड्वेन ब्रावो जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और जेसन होल्डर, ये दो हमारे की प्लेयर्स हैं तो आप इन्हें तो मिस मत करिएगा। और ऑप्शंस की बात करूँ तो सुनील नारायण, रेमन रफायर, जेवन सरलेस, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो आप चाहे तो इनमें से किसी के साथ भी जा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा ड्वेन ब्रावो और जेसन होल्डर के साथ जाने के लिए। ड्वेन ब्रावो को 94 लोगों ने लिया है, देख सकते हैं आप 91-94% लोगों ने ले लिया, और जेसन होल्डर इन्हें भी 74-79% लोगों ने लिया, तो आप इन दोनों के साथ जरूर जाइएगा। बॉलर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत है, पर मैं सजेस्ट करूँगा ये मैं जो बॉलर्स ले रहा हूँ आप उन्हीं के साथ जाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वालिटी बॉलर्स है, जैसा कि आप दे सकते हैं मैच में वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, इन्हें आप मिस मत करिए। आपके पास और ऑप्शंस है पर आप इन्हीं बॉलर्स के साथ जाइए, फवाद अली खान, तो यहाँ पर और ऑप्शंस है, इमरान खान, डोमिनिक डार्क्स और यहाँ पे एस लेनर्स, पर आप इन्हीं चार बॉलर के साथ जाइए अगर आप चार बॉलर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आप फवाद खान या अली खान किसी एक को हटा के आप सुनील नारायण के साथ भी यहाँ से जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप पांच बैट्समैन के साथ जाना चाहें तो यहाँ से डेरन ब्रावो के साथ भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप किसी के साथ भी जाइए। यहाँ पे हमारा बहुत क्रेडिट बच रहा है, पर अगर आप चाहें तो पांच बैट्समैन या तीन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, चार बॉलर ना लेना चाहे तो, पर मैं इन्हीं यही टीम के साथ जाऊँगा। ये देख लीजिए हमारा टीम रिव्यू, ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे स्मॉल लीग के लिए, तो आप यही टीम सजेस्ट करिएगा अगर आपका मर्जी। मैंने ऑप्शन दे दिया है, अगर आप दूसरा
टीम के साथ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो स्मॉल लीग के लिए हमारे पास कॉलिन मुनरो और ड्वीन ब्रावो, इनसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा। अगर आप चाहें तो जेसन होल्डर के साथ भी जा सकते हैं, या तो अशोक के साथ भी जा सकते हैं, या पूरन के साथ भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप किसी के साथ जाइए। मैं कॉलिन मुनरो और ड्वीन ब्रावो के साथ जाऊँगा। तो ये हमारा आज का टीम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आपके लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करिए आपको ग्रैंड लीग पे टीम चाहिए या नहीं। और अगर आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा वो सभी इन्फॉर्मेशन देने की। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।